हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज मैं पैथोलॉजी का लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले क्या पढ़ा था, जब सेल अडेप्ट करता है तो वो कुछ चेंजेस शो करता है, जिसमें हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी, मेटाप्लाजिया और हाइपरप्लाजिया भी शो करता है। तो इसमें हम सबसे पहले हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके सेल्स हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता है सेल के साइज इंक्रीज होने की वजह से। बेसिकली अब सेल इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, टिश्यू का साइज इंक्रीज होगा, टिश्यू से ऑर्गन का साइज इंक्रीज होगा। इसके कॉजेस क्या होते हैं कि किस किस वजह से होती है हाइपरट्रॉफी? इंक्रीज फंक्शनल डिमांड एंड वर्कलोड। जो सेल पे फंक्शनल डिमांड है या वर्कलोड है वो इंक्रीज होने की वजह से उसका जो साइज है इंक्रीज होता है और हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में एट द टाइम प्रेजेंट ही होते हैं, वो पैथोलॉजिकल नहीं होते, बाहर के नहीं होते, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हाइपरट्रॉफी और स्केलेटल मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर और एथलीट। एथलीट और बॉडी बिल्डर में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब उनके सेल का साइज बढ़ जाता है, इस वजह से उनके ऑर्गन जो मसल्स है वो भी बड़ी बड़ी नजर आती है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन इसमें क्या होती है, हाइपरट्रॉफी और कार्डिक मसल, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल है, उनकी सेल लेफ्ट वेंट्रिकल का उसकी हाइपरट्रॉफी की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसमें कि हम देख सकते हैं, पहले साइज ऐसा था और फिर साइज इसमें इंक्रीज हो गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू हाइपरटेंशन और डैमेज वॉल्व्स, aortic stenosis के केस में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रॉफी शो करता है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। दूसरा इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसमें एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर मसल इन रिस्पॉन्स टू यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यूरेथ्रा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, कोई भी रुकावट आएगी, तो उसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी शो करने लग जाएगा यूरिनरी ब्लैडर की मसल। एग्जांपल प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, जब प्रोस्टेट में ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हाइपरट्रॉफी शो करता है। और हाइपरट्रॉफी का क्या मैकेनिज्म इसमें बताया गया है, हाइपरट्रॉफी इज ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन। जब जो हमारे सेलुलर प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, तब क्या होता है, जो हमारा हाइपरट्रॉफी कॉज होता है। तो इसमें क्या बताया गया, क्या क्या चीजें इंक्रीज होने से होता है, ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेच बढ़ जाता है, और हाइपरट्रॉफी एगनिस्ट मतलब उनके जो बढ़ाने वाले फैक्टर हैं वो सब इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से होते हैं, टीजीएफ बीटा यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, ये इंक्रीज हो जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस में वर्कलोड बढ़ जाता है सेल पे, ऑब्वियस है जब सेल का साइज बढ़ेगा तो उसमें वर्कलोड भी बढ़ेगा, और हाइपरट्रॉफी एग्निस्टिक ये भी बढ़ जाते हैं, यानी एंजियोटेंसिन 2 और नाइट्रिक ऑक्साइड ये बढ़ जाते हैं। ये अल्टीमेटली तीनों मिलके क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, GATA4, NF80 और MEF2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये सब एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से ट्रांसक्रिप्शन करने लगते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर वापसी से और तेजी से स्टिमुलेट होकर बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये सीधा जाके फिर से डायरेक्टली ग्रोथ करने लग जाते हैं ग्रोथ फैक्टर की। और दूसरा इसकी वजह से क्या होता है, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक फीटल जीन्स, जो हमारे फीटल जीन्स में थे हमारे, उसकी वापसी इंड्यूसिस हो जाती है, इंडक्शन हो जाती है। एट्रियोट्रिक फैक्टर हमारा खाली एम्ब्रियोलॉजिक स्टेट में बनता है, वो वापसी से इंड्यूस होकर वापसी से बनने लग जाता है। और सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के इंक्रीज होने से। जिसकी वजह से क्या होता है, जब फीटल जेल बन जाएंगे तो वर्कलोड तो कम हो जाता है लेकिन मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसकी वजह से सेल को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम करने की वजह से वर्कलोड बढ़ जाता है, और जैसे हमने पहले पढ़ा था, वर्कलोड के कारण ही हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। अगला इसमें टॉपिक आता है कि एट्रियोट्रॉफिक फैक्टर क्या होता है। एट्रियोट्रॉफिक फैक्टर होता है एक्सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोनिक हार्ट बट नॉट एक्सप्रेस्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले पहले एम्ब्रियोनिक हार्ट में प्रेजेंट होता है लेकिन बर्थ के बाद प्रेजेंट नहीं होता। इन कार्डिक हाइपरट्रॉफी ANF इज रिप्रेजेंट। जब कार्डिक हाइपरट्रॉफी होती है तो ANF फैक्टर वापसी से बनने लग जाता है। ANF फैक्टर क्या है, एक तरह का हार्मोन है जो कि सॉल्ट सिक्रेशन ऑफ किडनी को सॉल्ट सिक्रेशन कराता है किडनी में। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। इट री एक्सप्रेशन डिक्रीजेस वर्कलोड एंड इंक्रीज मैकेनिकल परफॉर्मेंस। वर्कलोड कम होने की वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और सेल को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है। अब ग्रॉस उसमें मॉर्फोलॉजी की उसके सेल्स नजर कैसे आएंगे हाइपरट्रॉफी में, अगर ग्रॉसली देखा जाए, ऊपर ऊपर से देखा जाए, तो इन्वॉल्व ऑर्गन इज इनलार्ज। जिस सेल का ऑर्गन बड़े होंगे
जिस ऑर्गन के सेल बड़े होंगे वो ऑर्गन एनलार्ज बड़ा नजर आने लग जाएगा। और माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल एज वेल एज न्यूक्लियाई। साइज तो बढ़ेगा सेल का, साथ साथ उसके न्यूक्लियाई का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है इसमें एट्रॉफी। एट्रॉफी में क्या है, रिड्यूस साइज ऑफ और ऑर्गन और टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। पहले हाइपरट्रॉफी हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल का साइज था वो इंक्रीज हो रहा था। एट्रॉफी में क्या होता है, इसमें सेल का साइज डिक्रीज होता है और नंबर भी डिक्रीज होते हैं। इन एट्रॉफिक सेल सेल इज मेनली ड्यू टू अपोप्टोसिस। जब एट्रॉफिक सेल जो होते हैं उनकी डेथ हमेशा अपोप्टोसिस से ही होती है। अपोप्टोसिस हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम फिर से कवर करेंगे कि कैसे डेथ होती है। अब इसके कॉज क्या है, एट्रॉफी होने के क्या क्या कारण है। फिजियोलॉजिकल, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, पैथोलॉजिकल नहीं है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एट्रॉफी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर सच एज थायरोग्लोसल डक्ट। जब हम फीटल डेवलपमेंट होती है तो हमारी जो थायरोग्लोसल डक्ट है वो डीजनरेट हो जाती है। और अडल्ट टाइप में क्या होता है, हमारा थाइमस है और ब्रेन, गोनेट्स, हार्ट, ड्यू टू एजिंग, एजिंग के वजह बढ़ने की वजह से हम ये सब इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं अडल्ट लाइफ में। पैथोलॉजिकल कॉज क्या क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया डिसयूज एट्रॉफी। इसमें क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर लिम्फ, जो हमारी लिम्फ मसल्स है उन पे अगर प्लास्टर क्रास्ट किया जाए या फिर बेड रेस्ट दे दिया जाए लंबे टाइम तक, तो वहां की जो मसल है उसकी एट्रॉफी होनी चालू हो जाती है। अगर कोई मसल बहुत दिन से यूज नहीं करी गई है तो उसके सेल्स भी एट्रॉफी शो करने लग जाते हैं। अगर आता है डीनर्वेशन एट्रॉफी, इसमें इनर्वेशन से पता लग रहा है कि लॉस ऑफ इनर्वेशन है, इसमें नर्व से काम नहीं कर रही मसल्स की एट्रॉफी। मसल्स ड्यू टू डैमेज नर्व्स, पोलियोमेलाइटिस, इसमें हम पोलियोमेलाइटिस का एग्जांपल ले सकते हैं। मसल्स की एट्रॉफी हो जाती है क्योंकि नर्व्स ही काम नहीं करती हैं। आगे आता है इश्चेमिक एट्रॉफी। इश्चेमिक से पता लग रहा है कि डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई है, जो सप्लाई डिक्रीज होगी ब्लड की तो ओटू की सप्लाई भी डिक्रीज होगी। ब्रेन एट्रॉफी प्रोड्यूस बाय इश्चेमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कैरोटिड आर्टरी। अगर कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाएगा तो ब्रेन की एट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि वहां प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच पा रहा ब्लड के थ्रू इस वजह से, और लेस CO2 पहुंच रही इस वजह से। प्रेशर एट्रॉफी क्या होता है, एट्रॉफी ऑफ रीनल पैरेन्काइमा इन हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। जब किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लग जाती है तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या है, जो रीनल पैरेन्काइमा है वहां के जो सेल्स है उसकी एट्रॉफी हो जाती है और सेल का नंबर और साइज दोनों डिक्रीज होने लग जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या बताया गया है, एट्रॉफिक सेल्स हैव डिमिनिश्ड फंक्शन, देयर इज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डीजनरेशन। इसका सिंपल सीधा साधा मैकेनिज्म बताया गया है, एट्रॉफिक सेल में क्या होता है, जो प्रोटीन बनाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन बनाने वाला जो मैकेनिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन डिग्रेडेशन वाला सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोटीन घट ज्यादा रहा है और बन कम रहा है, इसलिए एट्रॉफी होने लगती है, इसलिए सेल का साइज और नंबर डिक्रीज हो जाता है। अब मॉर्फोलॉजी क्या बताई गई है, ग्रॉस अगर ऊपर से देखेंगे तो ऑर्गन इज स्मॉल एंड ऑफन श्रंकन। जो भी ऑर्गन की एट्रॉफी हुई है वो स्मॉल छोटा नजर आएगा और श्रंकन ही पिचका हुआ नजर आएगा। और माइक्रोस्कोपी लिए देखेंगे तो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज ड्यू टू रिडक्शन इन सेल ऑर्गेनली, मतलब जो सेल हम देखेंगे उनका साइज तो छोटा होगा, साइज में उनका नंबर भी कम नजर आएगा और जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनली है वो भी रिड्यूस नजर आएंगे। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।